क्या आपको लगता है कि आगे का रास्ता एक विकल्प के लिए, राजनीतिक विकल्प के लिए यही है कि जन आंदोलनों को खड़ा किया जाए, जो किसी ना किसी रूप से एक चुनावी विकल्प भी बनेगा? जन आंदोलन का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो मैं एमएलए बना हूँ, लेकिन मेरी असली पहचान कोई एमएलए बीएमएलए नहीं है। मेरी असली पहचान एक आंदोलनकारी की है। तो पीपल्स मूवमेंट ही टॉप मोस्ट प्रायोरिटी था, है और रहेगा, रहना ही चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जैसे मैं चुनाव जीत के दिखाया, ऐसे कुछ लोगों को इलेक्टोरली भी कुछ ब्रेक थ्रू मिलने चाहिए। चंद्रशेखर जैसे लोग, कन्हैया जैसे लोग कुछ असेंबली में जाए, पार्लियामेंट में जाए और वहाँ पर भी अपनी बात रखे। तो उसके चलते क्या होता है कि जो सड़कों की लड़ाई है, जो जन आंदोलन है, उसको भी एक प्रकार से बल मिलता है। क्या आपका आगे का इरादा है, क्या आपको लग रहा है आंदोलन को आप कैसे आगे लेकर जाना चाह रहे हैं और किन ताकतों को साथ जोड़कर किस तरह से आप आगे बढ़ने की सोच रहे हैं? देखिए, अभी तो पूरा देश एक बहुत गजब उथल पाथल के दौर से गुजर रहा है। फासीवाद का एक कहर हमारे ऊपर बरस रहा है। तो इस परिस्थिति में जितने भी प्रो पुअर फोर्सेस हैं, जिसके दिल में गरीब के लिए कुछ भी करने की तमन्ना है, और जो बाय एंड लार्ज एंटी संघ, एंटी बीजेपी, ऐसे सारे फोर्सेस को एक साथ आना पड़ेगा। स्वाभाविक रूप से दलित आंदोलन के संदर्भ में देखें तो दलित आंदोलन में बहुत 2500 प्रकार के फ्रैक्शंस हैं, वो सारे फ्रैक्शंस एक साथ आए। वामपंथ के अंदर भी बहुत से फ्रैक्शंस हैं, वो सारे फ्रैक्शंस एक साथ आए, फिर दलित और वामपंथ के सारे लोग एक साथ आए, और दूसरे जितने भी प्रो पुअर फोर्सेस, इन सभी का एक बहुत ज़बरदस्त अलायंस बने, जो कहने में बहुत अच्छा लगता है, बनता कभी नहीं। लेकिन मुझे लगता है जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का पिछले 4 साल का, उनको माननीय कहना बड़ा रिडिकुलस लग रहा है, एनीवेज, तो पिछले 4 साल का उनका जो रूल रहा है, और जिस प्रकार से सारे लोगों को डराया है, धमकाया है, हत्याएं हुई है, जेलों में डाला है, फर्जी मुकदमे दर्ज किए हैं, टॉर्चर किया है, पूरे लोकतंत्र के ऊपर खतरा बने हैं, संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, इस सिचुएशन में सारे वो लोग जो फांसीवाद के सामने हैं, उन सभी का एक ब्रॉड फ्रंट बने और उसमें हम लोग कितना कंट्रीब्यूट कर पाए, वो एक लक्ष्य है। दूसरा टारगेट वडगांव की कॉन्स्टिट्यूंसी, जहाँ से मैं चुनाव जीता, वहाँ पर एक वडगांव मॉडल ऑफ डेवलपमेंट पेश किया जाए। और दूसरा, गुजरात के अंदर हम लोगों ने जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच, उसकी जड़ें मजबूत हो। और नेशनली दूसरे स्टेट्स में मैं जहाँ पर जा रहा हूँ, वहाँ पर दलित मूवमेंट ठोस कॉन्क्रीट मटेरियल इश्यूज़ की लड़ाई में इन्वॉल्व हो, खुद को एंगेज करे, ये कुछ एजेंडा आने वाले दिनों के हैं। आमतौर पर जो शोषितों का आंदोलन है, उसके आगे का रास्ता क्या है और किस तरह के लीडर उसमें होंगे? देखिए, अभी पिछले कुछ समय में जो जिसे दलित मूवमेंट बोलते हैं, तो पॉलिटिक्स में एक दलित मूवमेंट एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है अभी। तो ऐसे में जो अभी दो चेहरे, दो नाम बहुत उम्मीद बना रहे हैं लोगों में, जिसमें एक अपने भाई जिग्नेश मेवानी जी हैं और एक भाई चंद्रशेखर रावण हैं। तो ये दोनों फेस ऐसे हैं कि यूथ चाहता है कि ये दोनों साथ में जुड़ के अगर समाज के लिए लड़े, तो डेफिनेटली यूथ इनके साथ पूरी तरीके से जुड़ेगा और हम भी साथ खड़े हैं। हम इस मूवमेंट को अब आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हम जो पुराने, जो अभी तक राजनीति जिस तरीके से चलती है, ये दलित मूवमेंट खासकर दलित राजनीति जो चली है, हम उसको अब बदलना चाहते हैं, क्योंकि हम उसमें कुछ ना कुछ बहुत कमियां देख रहे हैं कि आज़ादी के 70 साल बाद भी हमारी दलित राजनीति कोई भी एक जो एक प्रभाव होना चाहिए राजनीतिक संस्थाओं पर, वो प्रभाव डालने में थोड़ा सा हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कमी दिख रही है, और ये अब कमियाँ और ज़्यादा अब प्रेजेंट समय में ज़्यादा उभर के आई हैं। आपको लग रहा है कि ये जो दलित आंदोलन की जो नई लहर है, क्या इसमें मान सम्मान के साथ साथ आर्थिक सवाल भी जो दलितों के सामने हैं, वो भी जुड़ेंगे साथ? बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसको हमारी जो पुरानी राजनीति है वो समझ नहीं पा रही है। अभी तक जो हमारा आंदोलन था वो एक मान सम्मान के लिए ज़्यादा था, अभी जो हमारी जो नई पीढ़ी निकल के आ रही है, उनके पास सबसे बड़ी समस्या है रोज़गार की। उनके पास रोज़गार नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनली वो जिन कामों से बंधे हुए थे, वो वहाँ से मुक्त हो गए, उन्होंने अब अच्छी बेटर एजुकेशन पा ली है, तो वो रोज़गार चाहते हैं। पिछले कुछ सालों के दौरान जो समाज में दो वर्गों के बीच में अंतर बढ़ा,
आर्थिक असमानता बढ़ी, तो आर्थिक असमानता का शिकार जो सबसे बड़ा तबका इस देश में है वो स्वाभाविक रूप से दलित है। ज़्यादातर दलित गांव में बसते हैं, गांव में बसने वाले ज़्यादातर दलित भूमिहीन हैं। शहरों में और छोटे टाउन में जो दलित बसते हैं वो प्राइवेट कंपनी और फैक्ट्री में जाने वाले लेबर क्लास है। तो ये एक श्रमजीवी दलित का जो आर्थिक शोषण है और उसकी जो मटेरियल डिप्राइवेशन, उसकी आर्थिक वंचितता जो है, उसको जब तक आप उठाओगे नहीं, उसके रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा के सवाल उठाओगे नहीं, तो अकेले आत्मसम्मान से क्या होगा। या दूसरी तरफ आप MBA कर लिए, बड़े इंजीनियर डॉक्टर बन गए, कलेक्टर बन गए, विधायक बन गए, लेकिन बावजूद उसको जाति के नाम पर आपको गाली पड़ी तो वो भी नहीं चलेगा। आपको इज्जत की रोटी भी खानी है और रोटी बटर के साथ भी खानी है। तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए, आत्मसम्मान भी हो और आर्थिक रूप से आप सक्षम भी बने, ये दोनों की लड़ाई एक साथ होनी चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच, उसका सूत्र यही है कि संघर्ष आत्मसम्मान के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए। अस्तित्व के जो सवाल है, मटेरियल इश्यूज तो उठाना ही पड़ेगा, मैं खाली पेट आत्मसम्मान की बात नहीं कर सकता जी। कहीं ना कहीं जो आत्मसम्मान का जो मुद्दा है वो भी आर्थिक जो स्वतंत्रता उससे जुड़ा हुआ है। हमने अपने जो गाँव में जो हम देखते हैं कि जो हमारा जो सम्मान को नहीं बचा पाने का सबसे बड़ा कारण है कि हम आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है। अगर और जहाँ जहाँ लोग हमारे दलित वर्ग के लोग जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हुए हैं तो देखा है कि उनका सम्मान भी बढ़ा है और वो आत्मसम्मान से ज़्यादा मजबूती के साथ जी पा रहे हैं। तो हमारा अब जो नया जो वो होगा वो हम आर्थिक अधिकार पर ही आगे करेंगे कि उनको रोज़गार मिले, उनको कैसे किसी के जो एक परतंत्रता या गुलामी है उससे मुक्त करा के उनको अच्छे गरिमापूर्ण जीवन जीने का एक अवसर मिले। दलित आंदोलन के सामने जो कमियां आपके हिसाब से क्या है और जिग्नेश और चंद्रशेखर जैसे लोग क्या नया कर रहे हैं? हमें लगता है कि भाई जिग्नेश मेवानी जिस तरीके से अभी जैसे भाई ने बोला कि मैं एक आंदोलनकारी हूँ, अभी यूथ आंदोलनकारी चाहता है क्योंकि हमारा तो जो रिजर्वेशन है तो हमारे तो MLA उतने बनते ही आ रहे हैं। हमें आंदोलनकारी चाहिए, जो हमारी वॉइस उठाए और जो उसको मतलब कि मेन जो स्ट्रीम में जो बहस है विमर्श है उसमें हमारी आवाज़ को शामिल कराए। भाई चंद्रशेखर रावण जी हैं, वो युवाओं की एक बहुत बड़ी उम्मीद बन के उभरे हैं। वो उनका जो वहाँ पे जो लोकली जो काम है वहाँ पे बहुत बढ़िया काम है, वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि खासकर जो कमज़ोर वर्ग पर जो अत्याचार की घटनाएँ बढ़ी हैं, खासकर जो भाजपा गवर्नमेंट के आने के बाद, तो ऐसी स्थिति में जब कानून प्रशासन पंगु बन गया है तो उन्होंने एक कमज़ोर लोगों के साथ में खड़े होकर उनको बहुत बड़ी उम्मीदें दी हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं। तो आज पूरा जो देश का युवा है वो भाई चंद्रशेखर रावण के बाहर आने का इंतजार कर रहा है, वो उनके साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहता है और देश में एक परिवर्तन लाना चाहता है। और मुझे बहुत उम्मीद है, जिस प्रकार का उनका ग्राउंड का काम है, जिस प्रकार के एजुकेशन के फील्ड में 200 के करीब स्कूल्स उन्होंने चालू किए, जो फैंटास्टिक काम उन्होंने किया है, बहुत ज़बरदस्त ग्रास रूट का उनका काम है, बहुत तगड़ा काम, मैं उसको मानता हूँ। तो ये यदि चंद्रशेखर जिनका ऑलरेडी इतना बड़ा प्रोफाइल बना है, जेल में से छूटकर जब भी आएंगे उसका बहुत ज़बरदस्त स्वागत हम लोग करना चाहते हैं। उस दिन के इंतजार में कि कब वो जेल से छूटे, उनका जमकर स्वागत इस्तकबाल किया जाए, बहुत बड़ी मैसिव एक रोड शो हो, जनसभा हो और फिर UP और केंद्र की सरकार पे हल्ला बोल किया जाए, तो इस दिन का इंतजार है। तो जल्द से जल्द साथी चंद्रशेखर जेल से छूट कर आए, यही उम्मीद है।